नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिल्म धड़कन का एक डायलॉग था और वो डायलॉग था, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं भी ये बात अपने चैनल को कह रहा हूं कि हमारा चैनल सरकार को यह भूलने नहीं देगा कि आपने वादा किया था 19 लाख नौकरी देने का। यह वादा 2020 बिहार विधानसभा का चुनावी मुद्दा था। केंद्र की बात करें तो लोकसभा 2019 का यह चुनावी मुद्दा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने का, और ऐसे में ना ही केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार, दोनों में से कोई भी अपने वादे पर खरी नहीं उतरी। तो फिर उससे एक सवाल होता है कि क्या हुआ तेरा वादा? वादा तो आपने कर दिया, चुनाव में वोट तो आपने ले लिए, मगर तब क्या? जब युवाओं ने आप पर भरोसा किया, आपके उस वादे पर यकीन किया जो आप कर रहे थे, जब तेजस्वी यादव 2020 विधानसभा के चुनावी प्रचार में 10 लाख रुपए अपने पहले कैबिनेट में सिग्नेचर करके सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे थे, तो उसके जवाब में एनडीए गठबंधन की घटक दल और एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी, जो कि बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है मगर सरकार की सबसे बड़ी पार्टी है, वो है बीजेपी, और बीजेपी ने 10 लाख के बदले 19 लाख रोजगार देने का वादा किया, मगर वो सारे के सारे वादे धीरे धीरे जुमले में बदलते चले गए। और बात करें अगर हम बीजेपी के मैनिफेस्टो की, तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में तीसरे नंबर पर शिक्षक बहाली का एक अहम मामला था। उसमें बीजेपी ने जो अपने 11 संकल्प लिए थे उसमें से एक था, तीसरे नंबर पर जो था वो था शिक्षक बहाली को लेकर के, एक साल के अंदर 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। कहां हुआ? आपकी सरकार के एक साल पूरे हो गए, उस एक साल पूरे होने के बाद भी अभी तक नौकरी कितनी मिली है, कितने लड़कों ने सड़क पर आकर पुरानी नौकरी की मांग की है, ये सारे के सारे सवाल अभी भी खड़े हैं, अभी भी धरे के धरे हैं, और इसका जवाब देगा कौन? और सबसे ज्यादा अहम अभी ये इसलिए हो गया क्योंकि जो बिहार पीपल्स पार्टी है, जिसकी के अकर्ता धरता है पुष्पम प्रिया, वो पुष्पम प्रिया ने अपने ट्वीट के जरिए सरकार को घेर लिया है। सरकार को घेरते हुए पुष्पम प्रिया ने साफ तौर से अपने ट्वीट में क्या लिखा है आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है। उन्होंने लिखा है कि नीतीश बीजेपी की नई सरकार के एक साल पूरे हो गए, क्या 19 यानी कि उनका कहना है 19 लाख रोजगार 5 साल में देने का वादा किया गया था, यानी 3,80,000 नौकरियां हर साल देनी थी, तो क्या हुआ? आपने एक साल पूरे कर लिए मगर हुआ क्या? ये सवाल पुष्पम प्रिया का नहीं बल्कि ये सवाल बिहार के हर एक युवा का है, हर एक उस युवा पीढ़ी का है जिसे नौकरी चाहिए, जिसे रोजगार चाहिए, जिसे समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, जिसे आपके वादे पूरे होने का इंतजार है, जिसे आपके जुमले को हकीकत बनने का इंतजार है। तो आप जवाब दीजिए नीतीश कुमार जी, आप जवाब आपको देना चाहिए क्योंकि आप बिहार के मुखिया हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और आपके दो दो सिपा सालार जो आपके साथ हैं, एक तरफ रेणु देवी बीजेपी की और दूसरी तरफ तारकिशोर प्रसाद, ये दोनों के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, तो आखिर ये जवाब देगा कौन? और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से भी ये सवाल है कि 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली के मामले, जो बीजेपी के वादा था, बीजेपी यानी एनडीए का वादा था, और एनडीए की सरकार में आप शिक्षा मंत्री हैं, ये सारे के सवाल के जवाब आपको देने चाहिए, और आखिर आप नहीं देंगे तो कौन देगा? मगर सरकार और हम सवाल, सरकार से हम सवाल करते रहेंगे, जनता के हक की बात हम आपसे पूछते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के जरिए देखना तो पेज लाइक करें, ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।